ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। नाम है आपका और किस तरह से आपकी गाड़ी फूटी और क्या मामला था पूरा? मेरा नाम कपिल परमार है, मैं अर्चना विहार 4 निवासी हूँ और यहाँ पर रात को 1 बजे 6 लोग अज्ञात आए थे और उन्होंने मेरी 2 कारों पर पत्थर मारे, मतलब पूरी तरह फोड़ी गई उसको और कम से 5 से 10 मिनट वहाँ रुके गए वो। उसके बाद मेरी नींद खुली, आवाज़ सुनने के बाद कांच की, तो मैं जैसे निकला वैसे ही लोग भग गए वहाँ से। क्या लगता है आपको कौन लोग थे? मुख्य कारण तो मुझे अभी तक मालूम नहीं, बाकी अभी पुलिस ने उनको उठाया है, तीन लोगों को, 3 बाकी हैं अभी, अभी कारण मालूम नहीं पड़ा मुझे। पुरानी रंजिश, कोई रंजिश नहीं, मेरा किसी से विवाद ही नहीं पुराना आज तक, कोई विवाद। सीसीटीवी कैमरा में दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो है पहले उन लोगों ने आकर के वहाँ पर चिल्ला चोट करी, उसके बाद में ये तो मैंने भी देखा कि चिल्ला चोट करी, उसके बाद उन्होंने 5-10 मिनट मेरे घर की तरफ देखा भी गया, या तो कुछ किसी की प्लानिंग से हुआ है या जानकारी नहीं। बाकी गाड़ियों पर मध्य प्रदेश शासन लिखा था, कहाँ पर चलती है गाड़ी? MG अस्पताल में टेंडर है मेरा, तो गाड़ियाँ वहाँ चलती है। ठीक है, आपका नाम? कपिल परमार। सर, एक CCTV फुटेज जो है लगातार वायरल हो रहा है जिसमें कुछ आपराधिक तत्व द्वारा कुछ गाड़ियों के कांच फोड़े जा रहे हैं, सर क्या है पूरा विषय? रात्रि में करीब 1 से 1.5 बजे के बीच में थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि गोमती नगर का जो फरियादी है उसकी 2 कारों के कांच कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिए हैं, और जब छानबीन की गई तो गोमती नगर से जो आसपास का एरिया है, अयोध्या बस्ती और बावड़िया, यहाँ के कुल 4 व्यक्ति आइडेंटिफाई हुए थे जिनके पूर्व से शराब बेचने वगैरह के रिकॉर्ड हैं, आपराधिक रिकॉर्ड पूर्व से हैं। इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई है, इनके द्वारा जो शराब तस्करी की जा रही थी उसके तहत 34(2) और 49 का मध्य प्रदेश आबकारी एक्ट का प्रकरण भी इनके ऊपर आज पंजीबद्ध किया गया है, क्योंकि लगातार शराब तस्करी में इन्वॉल्व है। अभी इनसे करीब 60 लीटर शराब जहरीली बरामद हुई है, 3 व्यक्ति अरेस्ट हुए हैं, एक का नाम अट्टू है और रोहित सोलंकी और नानू। इसमें एक जो मुख्य आरोपी है गोविंद ढोली, वो फरार है और रात में फरियादी की रिपोर्ट पर से इनके खिलाफ एक पृथक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था धमकाने का और फिरौती मांगने के लिए कांच तोड़ने या क्षति करने के संबंध में, धारा 386, धारा 506 और धारा 427 IPC का प्रकरण रात में ही दर्ज कर लिया गया था। और अभी सुबह जब इनकी तलाश की जा रही थी तब मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ये चूँकि पूर्व से भी शराब तस्करी में लिप्त हैं, तो ये सुबह सुबह शराब तस्करी के लिए कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, जिस पर दबिश दी गई और उनको पकड़ा गया है और गोविंद ढोली की तलाश की जा रही है। सर, क्या मामला था जो उन्होंने कांच फोड़े उन गाड़ियों के? कुछ इनका लेन देन या कुछ ऐसा? इन आरोपियों में से एक आरोपी जो अन्नू है, उसका कल रात्रि में बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट किया है और ये सब नशे की हालत में थे इस कारण से, और इनकी एक दहशत फैलाने के हिसाब से इन्होंने ये इस कृत्य को अंजाम दिया है। लेकिन तत्काल इनको आइडेंटिफाई करके 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। गोविंद ढोली जो कि मुख्य आरोपी है उसकी तलाश जारी है, एक अन्य आरोपी जो अन्नू है उसको भी अरेस्ट कर लिया गया। ठीक है, धन्यवाद।